हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, उसी प्रकार से आज भी हम हमारी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता हो तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, चैप्टर फोर्थ पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर फोर पढ़ रहे थे। कौन सा था चैप्टर फोर? प्लांट अवर ग्रीन फ्रेंड्स। इसके बारे में मैंने आपको शायद कुछ लिखवाया था कि पौधे हमारे हरे दोस्त होते हैं, और उसे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमारे को फ्रेश एयर देते हैं, उसके अलावा फूड देते हैं, ऐसा लिखा था। तो आगे क्या करते हैं, पहले तो मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ। देखो, नंबर फोर प्लांट्स, प्लांट्स का मीन्स पौधे, फिर लिखा हुआ अवर ग्रीन फ्रेंड्स। अवर ग्रीन फ्रेंड्स, अवर ग्रीन फ्रेंड का मीन्स क्या होता है कि हमारे हरे दोस्त। पौधे क्या होते हैं? पौधे हमारे हरे दोस्त होते हैं। पौधे जो प्लांट्स होते हैं, अवर ग्रीन फ्रेंड्स, पौधे हमारे हरे दोस्त होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या करना है आपको, स्पेलिंग लिखना है। इस चैप्टर की स्पेलिंग लिखनी है, आपको पता हो तो लिखनी है ना। इस चैप्टर की स्पेलिंग हमने नहीं लिखी है, तो नोटबुक निकालो और मेरे साथ साथ में स्पेलिंग लिखना शुरू हो जाओ शुरू। स्पेलिंग लिखो, सबसे पहले पहली, और पहली स्पेलिंग लिखना फोटोसिंथेसिस। क्या लिखोगे? फोटोसिंथेसिस लिखो, पहली स्पेलिंग PHOTOSYNTHESIS, ये होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? इसका मींस क्या? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है वो चैप्टर पढ़ूंगा तब बताऊंगा। फिर आगे लिखो DURING, ये होता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मीन्स क्या होता है? के दौरान। ड्यूरिंग का मीन्स क्या? के दौरान। फिर आगे लिखो प्रोसेस, PROCESS। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है प्रक्रिया, हा? या विधि, दोनों में से कोई भी नाम ले लो, एक ही बात है। प्रोसेस का मीन्स होता है या तो प्रक्रिया या विधि। फिर लिखो आगे, क्या लिखोगे आगे? आगे लिखो मिनरल्स, MINERALS। मिनरल्स का मीन्स खनिज, मिनरल्स का मीन्स क्या? खनिज। फिर देखो आगे, मिनरल्स का मीन्स खनिज। फिर देखो प्रेजेंस, PRESENCE। प्रेजेंस का मीन्स उपस्थिति। प्रेजेंस का मीन्स क्या? उपस्थिति। फिर आगे लिखो सनलाइट, आप सबको पता है सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें, सूर्य का धूप, हाँ, फोटोसिंथेसिस मैंने लिखवा दी है। फिर देखो आगे, आगे लिखो ग्रोथ यानी वृद्धि, GROWTH। ग्रोथ का मीन्स क्या? वृद्धि, GROWTH। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। उसके अलावा लिखो स्टोर्ड, STORED। स्टोर्ड का मीन्स देखो संग्रह किया हुआ होता है, ठीक है ना। स्टोर्ड यानी संचित कह सकते हैं, एक वर्ड में संचित यानी मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, संग्रह किया हुआ, उसको स्टोर्ड कहते हैं। रूट का मीन्स आपको पता है जड़ या नहीं पता है? पता है। लीव्स का मीन्स पत्तियां, स्टेम का मीन्स तना, ये सब पता है आपको। फिर आगे एनिमल्स आपको पता है, जानवर। फिर लिखो फंक्शन, FUNCTION। फंक्शन का मीन्स क्या? कार्य।
फंक्शन का मीन्स क्या, तो कार्य। फिर देखो आगे, आगे क्या लिखोगे, आगे लिखो रूट सिस्टम और एक लिखो फिर सूट सिस्टम, आर डबल ओ टी एस वाई एस टी एम, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मीन्स होता है जड़ तंत्र। फिर होता है एक सूट सिस्टम, एस एस डबल ओ टी एस वाई एस टी एम, ये होता है सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम क्या होता है, तो प्ररोह तंत्र, हिंदी में क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र कह दो या तना तंत्र कह दो, बात एक है। तना तंत्र ही लिखता हूं, छोड़ो तना तंत्र ही लिखना, आपको समझ में ही आ जाएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा, तना तंत्र लिख देना। प्ररोह का मीन्स क्या, तना तंत्र। अब देखो आगे, फिर लिखो बेस, बी ए एस ई बेस। बेस का मीन्स क्या होता है, आधार। बेस का मीन्स क्या, आधार, आधार ही होता है ना, आधार ही होता है। फिर लिखो रिमेन्स, आर ई एम ए आई एन एस, रिमेन्स। और रिमेन्स होता है बची हुई या बची हुई, रिमेन्स का मतलब क्या, तो बची हुई। उसके अलावा लिखो, क्या लिखोगे, डायरेक्शन या स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट लिखना फैलना, एस पी आर ई ए डी। स्प्रेड का मीन्स फैलना, स्प्रेड आउट का मीन्स बाहर होता, बाहर फैलना। फिर लिखना डायरेक्शन, डायरेक्शन का मीन्स होता है दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। लिखो डी आई आर ई सी टी आई ओ एन, डायरेक्शन। और डायरेक्शन होता है दिशा, क्या होता है, दिशा। फिर लिखो आगे, आगे क्या लिखो, स्ट्रेंथ। हाँ लिखो, तो फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड लिख दो पहले, पी आर ओ वी आई डी। प्रोवाइड क्या होता है, प्रोवाइड होता है पूर्ति कराना। अब लिखो स्ट्रेंथ, एस टी आर ई एन जी टी एच। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या मजबूती, शक्ति भी लिख दो मजबूती भी लिख दो, शक्ति या मजबूती, स्ट्रेंथ लिख देना स्ट्रेंथ। फिर लिखो आगे, आगे क्या लिखोगे, एक लिखो टैप रूट। रूट दो प्रकार की होती बेटा, पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट, एफ आई बी आर ओ यू एस, एफ आई बी आर ओ यू एस। एक तो होती है टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। देखो टैप रूट, टैप रूट होता है, उसको कहते हैं मूसला जड़। टैप रूट को क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे। और फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट को कहेंगे तंतुनुमा जड़, तंतुनुमा जड़। ये कैसे कैसे होती है वो सारा मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से क्लियरली बता दूंगा। अभी परेशान मत होना कि सर सिर्फ स्पेलिंग लिखवा रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है ना। पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, एक एक का डायग्राम बना करके बता दूंगा, ठीक है। हाँ स्पेलिंग लिख लें अभी, दो तीन और अभी टाइम है हमारे पास में, तो फिर लिखो आगे, आगे क्या लिखोगे, लिखो ब्रांचेज, बी आर ए एन सी एच ई एस, ब्रांचेज का मीन्स क्या, शाखाएं। ब्रांचेज का मीन्स क्या, शाखाएं। ब्रांच का मीन्स होता है शाखा, और ब्रांचेज का मीन्स मोर देन ब्रांच, यानी ज्यादा शाखा, शाखाएं। फिर लिखना टाइनी, यानी छोटे, टी आई एन वाई, टी आई एन वाई, टाइनी।
टाइनी यानी छोटे। अब काउंट करो स्पेलिंग कितनी लिखी है, गिनो देखो स्पेलिंग कितनी लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उधर है, 3 3 3 और 10 भी इधर है, यानी टोटली 20 स्पेलिंग लिख ली है। कितनी लिख ली है, 20, 20 स्पेलिंग लिख ली है। अब देखो एक बार रिवाइज करवाता हूँ वापस, एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ। देखो पहली थी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद में ड्यूरिंग यानी के दौरान, फिर प्रोसेस प्रक्रिया या विधि, फिर मिनरल्स खनिज, उसके बाद में प्रेजेंस उपस्थिति, फिर ग्रोथ वृद्धि, फिर स्टोर्ड संचित, एंड देन संचित का देखो बेटा मैंने बताया था क्या होता है, संग्रह किया हुआ होता है, संग्रह किया हुआ है हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पता है ना आपको, हाँ पता है आपको, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर फंक्शन यानी कार्य, कार्य यानी कोई काम, उसके बाद रूट सिस्टम, देखो रूट का मीन्स आपको पता होता है जड़, और सिस्टम का मीन्स होता है तंत्र, तो रूट सिस्टम हो गया जड़ तंत्र। फिर सूट सिस्टम, सूट का मीन्स होता है प्ररोही भी बोलते हैं, तनाव तंत्र वो बोल सकते हैं, प्ररोह तंत्र भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको लेवल के हिसाब से तनाव तंत्र लिखवाया है, यानी इसमें हम जमीन के ऊपर वाले पूरा भाग पढ़ेंगे। अब जमीन के ऊपर क्या होता है, तना ही होता है ग्राउंड से ऊपर, इस कारण से मैंने तना तंत्र लिखवाया है। फिर बेस यानी आधार, उसके अलावा रिमेन्स यानी बची हुई जो शेष बच जाती है उसको रिमेन्स कहते हैं, उसके अलावा स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैलना, स्प्रेड क्या होता है फैलना होता है। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है, दिशा कौन सी दिशा, कोई लड़की का नाम नहीं है दिशा, ये दिशा है जो होती है ना फोर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो वाली दिशा है। प्रोवाइड पूर्ति कराना, प्रोवाइड यानी पूर्ति कराना, स्ट्रेंथ का मीन शक्ति या मजबूती, और टैप रूट होता है मुसला जड़, दो प्रकार की रूट होती है, एक टैप रूट होती है मुसला जड़, एक फाइब्रस रूट होती है तंतुनुमा जड़। उसके बाद ब्रांचेज होता है शाखाएं, ब्रांचेज क्या होती है BRNC, ब्रांचेज शाखाएं, और उसके बाद लास्ट स्पेलिंग टाइनी यानी कि छोटे। तो बेटा आपको होमवर्क में ये स्पेलिंग करना, सारी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है, ठीक है ना। अब बेटा आपसे विदा लेने का समय आ गया है, वापस कल लौटता हूँ, तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं लौटता हूँ, वापस कल लौटता हूँ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।